सुरक्षा भारत के अंदर भले ही सामाजिक बुराइयों का विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने सदैव कहा था कि भारत के अंदर रह करके ही, भारत के अंदर रह करके ही दबे कुचले वंचित और दलित समाज के हितों को आगे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, कभी नहीं समर्थन किया, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल से गलती हो गई, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। जोगेंद्रनाथ मंडल की क्या स्थिति हुई? वे पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने, उनके सामने ही जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर और दलितों पर सरेआम अत्याचार होने लग गया, उन्हें पाकिस्तान से भाग करके आने पड़ा और 1950 से लेकर 1965 तक भारत के अंदर गुमनाम निर्वासित जीवन उनको व्यतीत करना पड़ा। आज जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के हित के लिए जो योगदान दिया, आज जन जन के एक कारणहार है, सबके लिए वे पूजनीय बने हुए हैं। पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देता है, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कोई भूल से भी नहीं लेता है। राष्ट्र के साथ होने वाला कोई भी विश्वासघात कभी भी प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है। और भाइयों बहनों, हम सबको जो लोग आपके समाज में झूठे मुकदमे लगाते थे, लेकिन राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों पर वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, तो आपके हितेशी कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मनसा बहुत साफ है। वे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते थे, पेशेवर कंगालियों के मुकदमों को वापस लेते थे, लेकिन दबे कुचले समाज पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी आवाज को दबाने का कार्य करते थे। ये पिछली सरकारों की वास्तविकता थी और उस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ से जाएंगे अपने अपने जनपदों में सम्मेलन करके एक एक घर को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके कैसे कार्य किया जाना, इसके लिए अवगत कराएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की मंगल कामनाएं आपके।